हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोक रहाऊंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स का लिया। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों इत्मीनान से आप वीडियो को देखिएगा। और देखिए, यहाँ पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज़ ही मिलती है आर्मी के आधार पर नई नई वीडियो दोस्तों, और एग्जाम के आधार पर नए नए अपडेट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो को इत्मीनान से आप देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 125 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब दोस्तों उसका चारों ओर की दोस्तों माप, अर्थात आप कह सकते हैं उसकी परिधि, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं पैरामीटर। देखिए आयत आपका यहाँ पर इस तरह का होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसकी लंबाई आपको यहाँ पर दी है 125 मीटर, और यहाँ पर देखिए आपको एरिया दिया है। एरिया आपका क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपका एरिया होता है, जो आपको दिया है यहाँ पर 12,500। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे, पहले चौड़ाई निकालेंगे उसके बाद आप परिमाप निकाल लेंगे। तो चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 125/100/125, क्योंकि आपकी लंबाई यहाँ पर दोस्तों 125 मीटर है। तो आप काट देंगे तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों 100 आ जाएगा, तो 100 मीटर आपके यहाँ पर चौड़ाई आ गई। अब आपको परिमाप निकालना है, तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, चारों ओर की माप, अर्थात 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर आप रख देंगे तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देगा 2 गुणा 125 + 100 कर देंगे तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका 450 यहाँ पर निकल के आएगा। तो इतना मीटर दोस्तों आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो आपको बताना कि x का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपके एक अनुपात में है, कहने का मतलब है 10:20 समानुपात x/40। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे इजीली, ये आपका 10/20 हो गया बराबर x/40। तो दोस्तों आपका यहाँ पर x बराबर आ गया 10×40/20, तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों 20 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिखता है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आपको सीधे एक वर्ष का अंतराल दिया जाता है दोस्तों, 1 जनवरी 2004 से लेकर के दोस्तों आपको यहाँ पर 1 जनवरी 2005 में जाना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक दिन आप आगे बढ़ा देते हैं। यदि आपका दोस्तों दोनों ही सामान्य वर्ष होंगे, साधारण वर्ष होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप एक दिन आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं, ये आपका 2004 आपको दिया है और जनवरी है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2004 क्या होता है दोस्तों, आपका अधिवर्ष होता है, अर्थात दोस्तों एक लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर होने के कारण दोस्तों आप एक दिन और बढ़ा देंगे, ये आप ध्यान देंगे। और लीप ईयर का पता कैसे चलेगा दोस्तों, आपको 4 का भाग देंगे, यदि 4 का भाग पूरी बार चला गया तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। और यहाँ पर देखिए, फरवरी के कारण आपका लीप ईयर होता है, जो आपका बीच में पड़ता है, तो इसलिए आप एक दिन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका मंगलवार था तो बुधवार, बृहस्पतिवार आपका हो जाएगा, बृहस्पतिवार कहें या फिर आप दोस्तों गुरुवार कहें, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला गुरुवार आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी। यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिया है, इससे आपको पता लगेगा दोस्तों आप जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या ध्यान देना पड़ता है। देखिए आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर/घंटा आपका यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, 1000, तो 1000 आपने लिखा, इतने मीटर बट्टे, वैसे आपने यहाँ पर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60×60 इतने सेकंड, तो ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया 1000/3600 सेकंड, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आप दोस्तों काट देंगे तो ये आपका 5/18 आ जाएगा, तो इतने मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो ये आप ध्यान देंगे। दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो आप इसका गुणा करते हैं, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर यहीं से आता है, तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 18 किलो का मूल्य क्या होगा।
यदि एक दर्जन केले का मूल्य 4 रुपये है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पहले क्या पता होना चाहिए, एक दर्जन में दोस्तों आपके 12 केले होते हैं। 12 केलों का मूल्य दोस्तों आपको दिया है 4 रुपये, तो एक केले का मूल्य कितना होगा दोस्तों? एक केले का मूल्य आपका होगा 4/12 रुपये। अब देखिए, यदि आपको निकालना 18 केलों का मूल्य, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप यहाँ पर सीधा 4/12 × 18 कर देंगे, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, 4 तिया हो गया और 3 छक्का, तो 6 रुपये यहाँ पर निकल के आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 30, 40, 50, 60, 70 लंबाई वाले छात्रों का की औसत लंबाई आपको बतानी है क्या होगी, अर्थात दोस्तों आपको यहाँ पर एवरेज हाइट बतानी है। देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे दोस्तों, इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये दोस्तों 5 विद्यार्थी हैं। अब इनकी आपको लंबाई बतानी है, औसत लंबाई। तो औसत बराबर आपका होता क्या दोस्तों? औसत ए बराबर आपका होता है योग एस बट्टे नंबर। तो आप इनको यहाँ पर ऐड करेंगे, योग निकालेंगे, 30 धन 40 धन 50 धन 60 धन 70 / 5 कर देंगे, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर कितना आएगा? 70, और ये आपका 120, 180 और ये 250, और 5 का भाग देंगे, ये दोस्तों आपके यहाँ पर 50 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, घातांक एवं करणी का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/32 की घात आपको दिया है -4/5, तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला काम आप क्या करेंगे, अंदर आपका यहाँ पर दिया है 1/32। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1/32 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 5, क्योंकि आप 2 को 5 बार गुणा करते हैं दोस्तों, ये आपका 32 ही आता है। ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह आप इनको क्वेश्चन वो करते हैं, -4/5 वैसे ही रख देंगे। अब देखिए, ऊपर आप यहाँ पर ले जाएंगे दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर 2 की घात -5 हो जाएगा, और 4 बाहर यहाँ पर आपका घात में -4/5 पहले से है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 2 की घात, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, यह आप रूल याद कर लेंगे, घात के ऊपर घात होने पर घातों का गुणा होगा। तो -5 × -4/5 आपका है, तो यहाँ पर माइनस कट गया और 5 भी कट गया, तो बचा दोस्तों आपका 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 बराबर कितना होता है? 16 आपका निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि दोस्तों उसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको क्या दिया है? 280 रुपये दिया है, तो आपको बताना है कि कितना कितने रुपए में खरीदा, मतलब दोस्तों खरीदने का मतलब क्रय मूल्य आपको दोस्तों बताना है क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है दोस्तों? अंकित मूल्य आपको दिया है। अब देखिए, अंकित मूल्य पर यदि हम 10% का बट्टा कर दें, मतलब कम कर दें उतना, तब भी दोस्तों क्रय मूल्य की तुलना में 26% का बंदे को, जो भी यहाँ पर ग्राहक होगा, उसे दोस्तों लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? देखिए, हमेशा आपको ध्यान देना, अंकित मूल्य आपका अलग होता है और आपका दोस्तों क्रय मूल्य अलग होता है। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा, और अंकित मूल्य मतलब जितना यहाँ पर ऊपर चढ़ा होगा, वस्तु के ऊपर यहाँ पर चढ़ाया गया होगा, वो रेट आपका दोस्तों, वो प्राइस आपका अंकित मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, 280 में यदि हम दोस्तों 10% का बट्टा कर दें, यानी कि 90 कर दें, 100 कर दें, तब भी दोस्तों ये यहाँ पर आपको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। आपने मान लिया दोस्तों क्रय मूल्य यहाँ पर ए है, तब भी दोस्तों ये क्रय मूल्य की तुलना में, ए की तुलना में दोस्तों कितना लाभ होगा? 126/100, इस तरह आप लिख देंगे। तो यहाँ से आप दोस्तों ए को निकाल लेंगे, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कट गया, ए बराबर दोस्तों आपका 280 × 90/126 हो गया। तो ये दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका यहाँ पर 200 रुपये मिल गया। तो 200 रुपये दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया, यानी कि 200 रुपये में वस्तु को खरीदा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे और भी तरह क्वेश्चन को हम लगातार आपको देते जाएंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको विश्व बैंक का मुख्यालय बताना है कहाँ है, या आपका दोस्तों बीजिंग में या दिल्ली में या वाशिंगटन में या कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वाशिंगटन। दोस्तों वाशिंगटन क्या है? अमेरिका की राजधानी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। श्रीनगर आपको पता होगा कश्मीर का एक बड़ा शहर है,
तो ये दोस्तों किस नदी के तट पर बसा हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ताप्ती नदी या गोमती या यमुना या झेलम, ये आपका हो जाएगा दोस्तों झेलम, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के परिदृश्य में सबसे बाद में उभरने वाला धर्म है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत के इतिहास में आपको बताना है जो बाद में सबसे बाद में जो धर्म आया वो कौन सा है, वो आपका दोस्तों हिंदू धर्म होगा या ईसाई होगा या जैन होगा या सिख होगा।